से बढ़ने वाली हैं अनुपमा की दिक्कतें। बदल गई है आद्या की कहानी, फिर से आ गई है अनुपमा की बरखा भाभी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना का स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बारे में। अनुपमा में फिर एक बार कुछ पुराने किरदारों की वापसी होने वाली है। टीआरपी लिस्ट में लगातार टॉप पर बने हुए होने के बाद सीरियल में मेकर्स लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इसमें रुझान बना रहता है। हाल ही में राजन शाही के इस शो में 6 महीने का लीव लिया गया है, जिसके बाद दिखाया गया कि अनुज की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है और आद्या का कोई अता पता नहीं है। अब नए प्रोमो वीडियो में दिखाया जाएगा कि आद्या के बारे में सवाल पूछने पर अनुज अपने भाई और भाभी का जिक्र करेगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, अनुपमा सीरियल में फिर एक बार अंकुश का किरदार निभाने वाले एक्टर रोहित बख्शी और बरखा भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत की वापसी होगी। अनुपमा सीरियल में रोहित जहां अपनी बीवी से परेशान रहने वाले अनुज के भाई का किरदार निभाते थे, तो वहीं अश्लेषा सावंत का किरदार एक ऐसी वैम्प का था जो घर में झगड़े लगवाकर अपने देवर की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती थी। काफी वक्त पहले दोनों शो से गायब हो गए थे। अंकुश और बरखा की वापसी के बारे में सोशल मीडिया पर काफी कुछ बताया जा रहा है कि अनुज अपने अपनी बेटी को भाई और भाभी के पास ये सोचकर भेज दिया था कि वो उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्होंने उसके साथ धोखा किया और अब उनकी वापसी होने वाली है। अनुपमा सीरियल में अनुज कबाड़िया के भाई और भाभी के अलावा अंकुश के बच्चों की भी वापसी होने वाली है। अधिक और बरखा की बेटी भी काफ़ी वक्त से शो में नज़र नहीं आ रहे हैं। अब खबर है कि उन्हें भी शो में वापस लाया जाएगा ताकि ड्रामा पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ सके। इतना ही नहीं, एक और सरप्राइज है आपके लिए। अनुपमा की बेटी आद्या, जो कि असल में माया की बायोलॉजिकल डॉटर है, वो अब बड़ी होगी तो उसमें अपनी माँ के लक्षण साफ दिखाई देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नागिन सीरियल में अहम किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस सोनाली खिलवानी को आद्या के किरदार में लिया जाएगा। उन्हें इसके लिए अप्रोच किया गया था। अब वो शो में बड़ी हो चुकी आद्या का किरदार निभाएंगी और पहले से कई ज़्यादा नेगेटिव अवतार में आपको नजर आएंगी। हालांकि इस बारे में अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि वो ही हमारी नई आद्या बनने वाली हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।